तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आइए इसके अंडर में हम देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूंगा। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की बात करूंगा। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर क्या हो जाए, टू आर मोर वेव मीडियम में साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा, वो सब इंडिविजुअल वेव का क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम के क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा, इंडिविजुअल वेव का, वेव के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के एल्जेब्रिक सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना? तो देखिए, मैं लिखता हूं, व्हेन टू और मोर वेव ट्रेवल ट्रेवल इन अ मीडियम ट्रेवल इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली, साथ साथ चले, इन एनी डायरेक्शन डायरेक्शन देन फेज में चेंजिंग होगा, डायरेक्शन एक ही होगा, मतलब कि सभी के सभी किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, जिधर चलेंगे सब एक ही तरफ चलेंगे। फेज में चेंज हो सकता है, मतलब या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले, या तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चले, लेकिन फेज अपोजिट हो सकते हैं, डायरेक्शन जो रहेंगे सभी एक ही, या लिख सकते हैं आप सेम डायरेक्शन, लिख सकते हैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। देन द नेट नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेव। नहीं समझी मेरी बात? अब सुनना, दैट इज मैंने क्या लिख दिया, अब सुनना मेरी बात। देखिए मैंने क्या किया, यहां से मानता हूं कोई वेव चल रही, ध्यान सुनना आप लोग, ये मैं मानता हूं कि ये हमारी पहली वेव है, ये हमारी पहली वेव है, ओके। ये मैं मानता हूं कि दूसरी वेव है, ये मैं मानता हूं कि दूसरी वेव है, ठीक, और ये मैं मानता हूं कि तीसरी वेव है, देख रहे ना? सेम फेज में क्या है, कितनी वेव चल रही बच्चों? तीन वेव चल रही हैं, टू आर मोर वेव्स हो सकती हैं, ठीक है ना? ये ऐसे आगे भी चलेंगी, ठीक है ना, आगे चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखिए, तो देखिए आप, इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो कितना है, ठीक है ना? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, इक्वेशन है, ये वाई वन है, और इसका कितना है बच्चों, वाई टू है, इसका कितना है, वाई थ्री है। बात समझ पा रहे हैं?
इसी तरीके से यहां क्या है आपका वाई वन है, यहां बताओ वाई टू है, और ये बताओ वाई थ्री है क्या? है ना? अब बताओ तो इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये सब रिजल्टेंट बना लेंगे। जब रिजल्टेंट बना लेंगे इसका जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन आएगा ये ऐसे आएगा, इसका एम्पलीट्यूड कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा हमको, ठीक है ना। इसी को मैं रिजल्टेंट वाई देता हूं, इसी को मैं रिजल्टेंट दिया, इसी को मैं रिजल्टेंट दिया, ठीक है ना। इस रिजल्टेंट का मतलब क्या है वाई वन वाई टू वाई थ्री, और होते तो मैं और ऐड करता, ये y1 प्लस y2 प्लस y3, और होते तो मैं और ऐड करता। देखिए ये सब क्या है, जो इंडिविजिबल वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है सभी को मैंने ऐड कर दिया, वो हो गया। तो इंडिविजिबल वेव के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा y1 y2 y3, फॉर मोर देन थ्री के लिए डॉट डॉट होता जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं सुपर पोजिशन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे ये टू आर मोर वेव ट्रेवल इन मीडियम साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन देन द नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल, सुपरपोज कर जाएगा। जब सुपरपोज कर जाए देखिए, या ये कह सकते हैं व्हेन टू आर मोर वेव ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली एंड सुपरपोज्ड एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, द सुपरपोज्ड टू ईच अदर, जब सुपरपोजिशन करेगा ये कंडीशन बनेगी। ओके बच्चों, बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑप्टिक्स है, अच्छे से देखना आएगा। सुपरपोजिशन मतलब ये कंडीशन दिख जाएगी, समझ जाएगा। सुपरपोजिशन मतलब सब एक दूसरे से क्या करते, कंबाइन करके एक नया वेव बना लिए, रिजल्टेंट वेव बना लिए। ओके, तो डिफिनेशन भी दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, व्हेन टू आर मोर वेव ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इन interact with each other after interaction the algebraic sum of the displacement equation of the indivisible wave is always equal to the resultant displacement equation of the resultant wave. Okay, आगे चलो, समझ में? तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो जैसे मैं मान लिया कि देखिए ये हमारा क्या है, चलो जाने दो, इतना समझ गए होंगे आप लोग, एनी प्रॉब्लम? ये ऐड हो जाएगा, या को मैं थोड़ा हिंट दे दूं, जैसे मैं कहूं अपने सोचो, ये इतना बड़ा ए है, ए है, और ये कितना, ये क्या है, ये बी है, इन दोनों को कंबाइन करो कि कितना बड़ा बनेगा, इसकी हाइट को ऐड कर दो, इसको हाइट को ऐड कर दो, तो ऐसे नहीं होगा, बोलो ऐसे तो होगा। तो यही तो मैं कर रहा था अभी तक, अगर मैं कहूं ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ए है, और ये हमारा क्या है बी है, तो बताइए इसकी हाइट बढ़ेगी घटेगी, इसकी घटेगी क्योंकि ये नेगेटिव में है, थोड़ा इतना हो जाएगी, इतने में से इतना कम हो जाएगी, ये वाला कम कर देगा, यानी क्या ए माइनस बी है। ठीक, आप समझ गए होंगे, एनी प्रॉब्लम किसी को? नो, चलो अब हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं। पहले हम कोहरेंट सोर्स का मतलब समझते हैं, ठीक बच्चों, पहले हम लोग कोहरेंट सोर्स का मतलब समझते हैं। कोहरेंट सोर्स, तो आइए कोहरेंट सोर्स समझते हैं। कोहरेंट सोर्स हम कैसे पता करेंगे? कोहरेंट सोर्स तब होगा, देखना आप लोग, कोहरेंट सोर्स कोई पूछे तो आप बता दीजिए, इक्वल फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए,
इक्वल फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। शुड हैव कॉन्स्टेंट फेज। फेज क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए। शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड should have equal wavelength, समझ गया ना? ये कोहरेंट की बात होगी। इक्वल फ्रीक्वेंसी, should have constant phase, should have equal amplitude and should have equal wavelength, इतनी सारी बातें क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए, ठीक है ना, कोहरेंट सोर्स के लिए। तो आपने कोहरेंट देखा, इतनी चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब बताइए, अब इंटरफेरेंस लाइट आप सुने हैं कभी? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यस सर। तो फॉलो करें, अगर कोहरेंट आ जाए तो इतनी चीजों को फॉलो करें। क्या? इक्वल फ्रीक्वेंसीज, शुड हैव कांस्टेंट फेज, शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, शुड हैव इक्वल वेवलेंथ। ओके, एम राइट? चलिए अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या करते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। Interference of light. Interference of light. मतलब था मेरे को याद था, लेकिन थोड़ा कुछ चीजें होती नहीं कि क्या कहते हैं कि डाउट हो जाता है, तो जब तक उसे एकदम क्लियर ना पता करो तब तो मजा नहीं होता ना, ठीक है ना। डाउट में पूरी दुनिया है, डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहता हूँ इतना पढ़ो, नहीं आए तो पूछो। चलिए आगे चलो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देखिए, अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे कहेंगे? जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है? कोहरेंट सोर्स का ही होता है। हाँ भाई, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसमें लिखता हूँ, When two or more wave, कौन wave? Coherent source wave, समझ गया ना? बार बार वो नहीं लिखूंगा। When two or more wave, आप coherent source superposed to each other, when two or more wave of coherent source अब भाई superposition की बात बोल रहे तो वो समझ रहे, एक ही direction में जाएगा ही ना, travel in same direction and superpose to each other। बच्चों ये एक बात याद रहे, अब मैं ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और ये कांस्टेंट फेज, ये सब में आ गया। ये लिखने का मतलब क्या है? ये सारी बातें फॉलो करेंगे आपकी, समझ गया ना, superpose to each other। After superposition, at the sum point, the maximum intensity are obtained.
आर ऑप्टेड एंड सम पॉइंट द मिनिमम इंटेंसिटी आर ऑप्टेंड द फेनोमिना ऑफ ऑप्टेनिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कह रहे हैं, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? तो अब देखिए इधर, यहां थोड़ा देखना अभी। जब मैंने आपसे अभी बताया, अगर क्या करूं, देखिए यहां पर एक वेव हो गई, दो वेव हो गई, तीन वेव हो गई, ऐसे चलेगा। तो देखिए ये ना, ये आपस में कंबाइंड करेंगे, सुपरपोज क्या, सुपरपोज में तो एक दूसरे से ऐड हो जाना, तो ये ऐसे बनाएंगे। तो कुछ अभी मैंने केवल दो ही पल्स बनाया, ये पूरा बना सकते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो देखिए कुछ पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड जहां मैक्सिमम होगा वहां आई मैक्स भी होगा, समझ गए ना। कुछ पॉइंट पर जहां ए मिनिमम होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। ऐसे बनता चला जाएगा, नहीं बताइए, जब ये बनेगा ऐसे ही ऐसे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा यानी सुपरपोजिशन के बाद मैक्सिमा मिनिमा आने की जो फेनोमिना होती उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, राइट? उसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, ओके बच्चों। तो आगे देखें, अब देखिए इसमें दो चीज, जब इंटरफेरेंस होता है ना तो दो इंटरफेरेंस बनते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर दोनों पेज दिखा दीजिए, बड़ा जल्दी आप चले गए। तो हमको दो इंटरफेरेंस मिलेंगे, वो दो इंटरफेरेंस कौन कौन होंगे बच्चों बताइए? इंटरफेरेंस दो मिलेंगे, दो इंटरफेरेंस मिलेंगे। पहला क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुने है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है जानते हैं? द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेव having same phase, the maximum intensity of the wave having same phase represent the constructive interference। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्राइट फ्रिंज क्या होता है बताऊंगा, ठीक है ना, जब सुपर पोजिशन कराऊंगा तब, ठीक। तो सेम फेज, यानी ये कह सकते हैं द पॉइंट एट विच मैक्सिमम इंटेंसिटी आर ऑब्टेंड इन हैविंग सेम फेज, जहां सेम फेज होगा, the maximum intensity of the wave having same phase represent the constructive interference।
जहां फेज क्या हो सेम होना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, वो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। दूसरा देखें, हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा बच्चों, बोलिए। द मिनिमम इंटेंसिटी, द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ऑफ द वेव हैविंग अपोजिट फेज क्या हो जाएगा, अपोजिट फेज, रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज, ठीक। ये हो गया, यानी मैक्सिमम मिनिमम जब बनता है देखिए ऐसे बनेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ क्या हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज, डार्क ब्राइट, ऐसे बनेगा, एक पैटर्न बनाऊंगा। उसके लिए आगे आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये डार्क फ्रिंज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आइए हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखता हूँ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। उसके लिए आपको फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा, टाइम ओवर हो गया।